स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9 में एरिया और वॉल्यूम रिलेटेड बहुत से फिगर्स के बारे में सीख लिया है, ठीक है। कौन कौन से फिगर्स के बारे में हमने सीखा था? हमने सीखा था क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, कोन के बारे में, सिलेंडर के बारे में, स्फेयर के बारे में, ठीक है। तो इन सब का एक अलग अलग एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया निकालने का हमने सीख लिया है फॉर्मूला, ओके। अब हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जब बात करने वाले हैं क्लास 10th के आपके जो सिलेबस में है उसमें क्या है ना, अब कॉम्बिनेशन इनका उभरेगा आपके सामने, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का आपको निकालना रहेगा एरिया या सरफेस एरिया, ओके। जैसा कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक ट्रक है तेल ढोने वाला, ठीक है, तेल उठाने वाला, जिसका क्या होता है, जो टैंकर होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और दोनों तरफ से देख सकते हैं आप हेमिस्फीयर्स लगे हुए हैं वहां, ठीक है। तो इन टाइप के फिगर्स को ना अलग से कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये इमेज को तो बहुत बढ़िया से जानते होंगे, क्या है ये, बहुत किसी ने तो फोड़ा भी होगा इसे, ठीक है, केमिस्ट्री लैब में मैंने भी फोड़ा था। इसका नाम होता है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं, सिलेंड्रिकल है और इसका बेस देख लीजिए हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है, ओके। बहुत सारे टॉयज होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं जिनमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होते हैं, जैसे स्क्वायर उसका रहेगा, उसका क्यूबिकल उसका रहेगा शेप, ठीक है, और ऊपर से जो डोम रहता है हेमिस्फीयर रहता है, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपने ऐसा देखा होगा, ओके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स से ना भरी पड़ी है हमारी दुनिया, हर चीज में कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स आ जाता है, ठीक है, हर चीज में लगता है, ओके। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के एरियाज और वॉल्यूम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो कैसे हो बच्चों, मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। बच्चों बहुत दिनों से कमेंट्स इंस्टा पे आ रहे थे मुझे कि सर जल्दी से स्टार्ट करिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो लीजिए मैं हाजिर हूं आपके समक्ष इस चैप्टर को लेके, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का। सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स को क्या करना है, कैसे जज करना है, उसको स्टार्ट करूं, उससे पहले आपको बेसिक फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम क्यूब से ही, ठीक है। हमारा ये क्यूब है, इसका साइड लेंथ कितना होता है स्टूडेंट, साइड बोलते हैं या एज लेंथ बोलते हैं, ठीक है, एज का लेंथ, ठीक है। एज लेंथ कितना होता है इसका, ए मान लेते हैं, चलिए। तो आइए देखते हैं कितने फेसेस हैं यहां पे, 6 फेसेस हैं, अच्छा ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है इसका, 6 into a square। एक फेस का एरिया कितना होता है, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, तो उसी तरह 6 स्क्वायर है, एक नीचे एक ऊपर, एक इधर एक इधर एक इधर एक पीछे, 6 a square सबको जोड़ने से आएगा, अच्छा ये तो हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया, ओके। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं वॉल्यूम का, वॉल्यूम कितना हो जाता है इसका, तो वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब, क्लियर है बात, ठीक। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसी के बड़े भाई क्यूबॉइड के पास, ये हो गया क्यूबॉइड, इसका मान लीजिए लेंथ ये है, ठीक है, ये तो हो जाता है हाइट, ओके, अच्छा। और ये जो है चीज, ये जो चीज है ये हो जाएगा ब्रेड्थ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ, ठीक, अच्छा। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हर एक फेस का एरिया ही ना टोटल सरफेस एरिया होगा। अब ये एल है ये एच है, तो क्या हो गया, 2LH क्यों बोला, एक फेस इधर एक फेस इसके सामने वाला, ठीक, अच्छा। इस फेस का क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, तो ये हो जाएगा 2BH, एक ये फेस और एक इधर वाला फेस, अच्छा। अब नीचे का बेस का क्या हो जाएगा, बेस का एरिया LB हो जाएगा और टॉप का भी एरिया क्या हो जाएगा, LB, तो 2LB। इसको आप बहुत सारे बुक्स में इस तरह लिखा पाएंगे,
क्लियर हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अच्छा बहुत कोई लैटरल सरफेस एरिया का भी बात कर लेता है, अब लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लैटरल सरफेस एरिया में आ जाता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है, ये वो वाला वॉल और ये वाला, टॉप और बॉटम को माइनस कर देते हैं, तो टॉप और बॉटम के लिए क्या था 2lb हटा दीजिए, बचा क्या, यही ये हो जाता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, लैटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल्स। इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बिकम्स लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है, तो ये दोनों 3D ऑब्जेक्ट्स का आपका इतना कुछ क्लियर हो गया। ओके उसी तरह अगर आप लैटरल सरफेस एरिया क्यूब के बारे में सोचेंगे तो 4a² हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या क्या क्यूब का और क्यूबॉइड पे बात, ठीक है नोट करिए। अब आते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं सिलेंडर को, सिलेंडर का मान लीजिए ये रेडियस है, इतना तो आपके पास होना ही चाहिए, और ये हाइट है, ठीक है रेडियस है और हाइट है, तो यहां पे देख लेते हैं, अब यहां पे देखिए बात आ जाता है टोटल सरफेस एरिया का, देखिए टोटल सरफेस एरिया में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है उसका कर्व्ड सरफेस का एरिया, प्लस टू सर्कुलर एंड्स एरिया, मतलब समझ पाए इसका आप, मतलब हो गया देखिए सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर का ये जो बॉडी होता है ये घुमावदार, इसे बोलते हैं कर्व्ड एरिया, और ये जो फ्लैट टॉप और बेस है इसे बोलते हैं सर्कुलर एंड्स, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस है ये, कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है 2πRh, प्लस दो सर्कुलर एंड्स का एरिया क्या हो जाएगा 2 × πr², एक सर्कुलर एंड का एरिया कितना होगा πr², तो दो का कितना हो जाएगा 2πr², क्योंकि ये तो सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो दो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 2πr², तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया मतलब इसको ढका हमने, इसको ढका हमने और इसको भी लपेटा पूरा मार दिया, तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है TSA। अच्छा CSA क्या होता है स्टूडेंट्स, बता दिया हमने 2πrh होता है खाली, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम पे अब आ जाते हैं, वॉल्यूम कितना होता है स्टूडेंट्स, इसका वॉल्यूम इसका होगा देखिए क्या, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ये एरिया इसका क्रॉस सेक्शन का और हाइट πr²h, ठीक है, तो ये केस हो गया सिलेंडर के लिए, सारे केसेस हो गए, ओके ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम सिलेंडर का। अब आते हैं कोन पे, कोन का थोड़ा सा पेचीदा है केस, इतना सीधा नहीं है, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा हाइट ऑफ द कोन, हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना वैल्यू, ये याद रखना है आपको, हाइट जो है वो परपेंडिकुलर चीज होती है, ठीक है, और ये हो जाता है इसमें एक नया टर्म स्लैंट हाइट, ठीक है, इसका जो झुका हुआ जो लंबाई है, ये झुकाव का इसका जो लंबाई है उसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। देखिए वॉल्यूम में ये कोई रोल नहीं प्ले करेगा, ठीक है, वॉल्यूम में ये कोई रोल प्ले नहीं करता है, ये रोल कहां प्ले करेगा, ये रोल प्ले कर जाएगा आपका सरफेस एरिया में, ओके आइए सबसे पहले हम देखते हैं कर्व्ड सरफेस का एरिया CSA। CSA क्या होता है कोन का, कोन का CSA का मतलब हो गया ये कर्व्ड सरफेस का एरिया, ठीक है, सर्कुलर एंड वाला नहीं,
सर्कुलर एंड को हटा के बात कर रहे हैं, सिर्फ ये जो दिखता है ऊपर में कर्व सरफेस का एरिया, ठीक है, बेस का एरिया नहीं है इसमें इन्वॉल्व। तो कर्व सरफेस होता है पाई आर एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, ठीक। अच्छा, और जो वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर मान लीजिए सेम रेडियस और सेम हाइट का आप सिलेंडर लें और सेम रेडियस और सेम हाइट का आप अगर कोन लें, दोनों में अगर आप, अगर मान लीजिए पानी आप कोन में लेके इसमें पुट करते हैं सिलेंडर में, तो सिलेंडर का एक तिहाई भाग भरता है, इसीलिए सिलेंडर का एक तिहाई वॉल्यूम होता है कोन का। अगर सिलेंडर का और कोन का रेडियस सेम है और उनका अगर हाइट सेम है, तो कोन में कितना पानी अटता है, एक तिहाई पानी अटता है जितना सिलेंडर में अटेगा। अगर सिलेंडर में 300 ml पानी है तो इसमें 100 ml पानी ही आएगा, समझ गया बात। अच्छा, तो ये हो गया आपका कोन का कहानी, ठीक है, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एंड वॉल्यूम पे बात। अब लास्ट का हमारा जो बचा वो है क्या, स्फेयर पे बात चलेगा और हेमिस्फेयर पे। नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्फेयर का मतलब क्या हो गया, आपका जो टेनिस बॉल आता है वो, ठीक है, मान लीजिए उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है आर। अब आइए यहां पे देख लेते हैं, यहां पे देखिए टोटल सरफेस एरिया बोल दीजिए या कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दीजिए, स्फेयर का सारा एरिया तो कर्व्ड ही रहता है ना, तो वो टोटल सरफेस एरिया की तरह ही काउंट हो जाता है। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 4πr², पहली चीज। दूसरा चीज, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 4/3πr³, ठीक है। आते हैं अब हम लोग हेमिस्फेयर पे, हेमिस्फेयर का भी मान लीजिए रेडियस आपको दिया हुआ है आर, ठीक। अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा कहानी, देखिए इसका कहानी हो जाएगा यहां पे, देखिए अब टोटल सरफेस एरिया अलग हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, और जो कर्व सरफेस एरिया को तो अलग होगा ही। तो कर्व सरफेस क्या हो जाएगा, स्फेयर का आधा हो जाता है कर्व सरफेस, स्फेयर का टोटल सरफेस था 4πr² कर्व सरफेस का, तो यहाँ पे कर्व सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2πr² प्लस πr², यानी कि 3πr² हो जाता टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये याद रखना है आपको फर्क, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है। क्या हुआ यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमने कर्व सरफेस का तो एरिया लिख ही लिया 2πr², साथ में बेस का भी एरिया ऐड कर दिया πr², तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर के केस में होता है 3πr², और टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया स्फेयर के केस में होता है 4πr², याद रखना है आपको ये चीज। उसके बाद आते हैं वॉल्यूम पे स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम पे तो अब बात करने का कोई जरूरत है नहीं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा सीधा सीधा आधा हो जाएगा स्फेयर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 4/6, ठीक है, 4/6 πr³, ओके। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, हाफ हो जाता है स्फेयर का वॉल्यूम हेमिस्फेयर का, ठीक है, क्योंकि हाफ ही एरिया है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ स्फेयर। तो ये था पूरा कहानी स्टूडेंट्स, सबके अलग अलग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा आपको दिक्कत कहाँ होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स को जज करने में आपको दिक्कत होता है, ठीक है, आइए उसे समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कुछ ऐसा फिगर है आपके पास, 3D है ये सब, याद रखिएगा ये 2D नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये 2D फिगर कुछ नहीं है, ये 3D फिगर है। गुलाब जामुन खाया है, ठीक है, तो ऐसा होता है गुलाब जामुन, ओके, फ्लैट सा सिलिंड्रिकल रहेगा एंड्स में और सर्कुलर रहता है एंड्स में, स्फेरिकल मतलब, ठीक है। अच्छा, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए इस चीज में क्या चीज है, इस चीज में सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहां तक जो है वो सिलिंड्रिकल पोर्शन है, इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक सिलिंड्रिकल पोर्शन है हमारा, और ये पार्ट है हेमिस्फेरिकल, ये पार्ट है हेमिस्फेरिकल, बात समझ में आया। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा इस पूरे ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या बताना होगा, सबसे पहले आपको बताना होगा ये कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर,
ठीक है, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ टू हेमिस्फेयर्स। कितना आ जाएगा ये कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर कितना है, सिलेंडर कितना होता है, 2πRH, और कर्व्ड सरफेस ऑफ टू हेमिस्फेयर्स कितना हो जाता है, कर्व्ड सरफेस ऑफ टू हेमिस्फेयर्स। यहां पे एक चीज समझ लीजिए आप, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर यहां पे कितना हो जाएगा, कर्व्ड वाला पार्ट कितना हो जाता है, वो 2πR² एक का है, ठीक है, तो दो के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 2πR², तो ये फॉर्मूला यहां पे आएगा इस फिगर के लिए। अब बोलिएगा सर यहां पे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, यहां तो टोटल सरफेस एरिया मांगा है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया करना चाहिए। अब एक चीज समझाता हूं तोड़ के आपको, इसको इस फिगर को हमने तोड़ दिया, ठीक है, देखिए कैसे तोड़ रहे हैं, ऐसे करके काट दिया हमने नाइफ से सिलेंडर्स को, काट दिया सिलेंडर को, काट दिया स्फीयर्स को, अलग कर दिया हेमिस्फीयर्स को, ठीक है, देखिए फिल करा देता हूं, ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, बेस एरिया जो है हेमिस्फीयर का वो तो छुप जा रहा है ना, ये भी बेस जो है सर्कुलर बेस सिलेंडर का वो तो छुप जा रहा है ना, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर सेम चीज ये सरफेस का होगा, ये वाले बेस एरिया, ये वाले सर्कुलर एंड का भी, ये छुप जाएगा किसके, इस हेमिस्फीयर के बेस के तले, तो इन सबको तो देखेंगे नहीं ना हम, इन सबको तो ये तो कंबाइन हो गए, ये मिल रहा है ना हमें, हमें दिखेगा क्या, हमें सिर्फ ये सरफेस दिखेगा, तो हमें कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर पे बात करना है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर पे बात करना है, और फिर से कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर पे बात करना है, और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। दूसरी फिगर इसको यहां रहने देते हैं, ठीक है, ये हो गया टोटल सर्फेस एरिया इस फिगर का। अब दूसरा फिगर आपसे हम डिस्कस करते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, आइए एग्जाम्पल में देखिए जैसे आपका बना हुआ है ऐसा कुछ, देखिए आपने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट का टॉप कैसा रहता है, कोनिकल, और उसका एक सिलेंड्रिकल पोर्शन रहता है, ऐसा है कि नहीं, उसका एक सिलेंड्रिकल पोर्शन भी रहता है ऐसा है, ठीक है। अब हम आपसे पूछे अगर कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ध्यान दीजिएगा कितना होगा, अभी बताता हूं, देखिए कोन का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इस फिगर का, देखिए कोन का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बेस एरिया भी तो हम लोग पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, बाहर से तो बेस एरिया दिखता है ना, तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये जुड़ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, और देखिए कोन का ये जो एरिया है पूरा सरफेस एरिया, पूरा बेस सर्कुलर एरिया, बेस का पूरा एरिया तो नहीं ना आ रहा है, क्या आ रहा है यहां पे, यहां पे आ जाएगा देखिए बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब ये चीज क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट देखिए इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है यही ना दिखेगा, सिलेंडर का ये जो एरिया हो तो ढक ठेक लेगा कोन के सर्फ बेस एरिया को, उतना उतना पोर्शन को, तो जितना बच गया वही ना हमें दिखेगा, ये जो मैंने शेड किया है नीचे से वही ना दिखेगा, तो वही ना है एरिया, ये किस तरह है, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल की तरह है, तो ये कोन का, ये सिलेंडर का बेस सर्कुलर बेस है और ये कोन का सर्कुलर बेस है, अब सिलेंडर वाला जो बेस है वो कोन का इतना रीजन तो छेक लिया, बचा कितना, दिख रहा है कितना हमें, इतना ही ना दिख रहा है, तो ये सरफेस एरिया हमारे लिए काम का है, तो इसे निकालने का तरीका क्या है, इसे निकालने का तरीका है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर,
ठीक है, अगर कोन का ये सरफेस, अगर कोन का रेडियस, ठीक है, अगर कोन का रेडियस आर है, अगर कोन का रेडियस कैपिटल आर है और सर्कुलर सिलेंडर का हमारा जो रेडियस है स्मॉल आर है, तो बेस एरिया का दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट लेके चलना है आपको, बात समझ में आया। तो इस फिगर का आप कहानी ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इस टाइप के फिगर का क्या हो जाएगा, तो ये कहानी हो जाएगा। क्या क्या? सरफेस ए कर्व सरफेस कोन का, कर्व सरफेस घुमादार, घुमादार जो एरिया है कर्व सरफेस कोन का। फिर क्या होगा, फिर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, घुमावदार पोर्शन जो है सिलेंडर का उसे कर्व सरफेस बोलते हैं, तो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फिर क्या करना है, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये तीनों तो जस का तस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। लेकिन ये जो कोन वाला, यहाँ वाला जो एरिया है, हमें दिखेगा कितना पार्ट, हमें दिखेगा यही पार्ट ना, इतना ही पार्ट ना हमें दिखेगा, इतना ही पार्ट ना हमें दिखेगा जो शेड किया है हमने, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो बेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि कोन का सर्कुलर एरिया बड़ा है, बेस एरिया ऑफ कोन में से क्या घटा देंगे, बेस एरिया ऑफ हम सिलेंडर घटा देंगे, बस खत्म। समझ में आ गया बात, ये चीज समझ में आया, ठीक है, नोट करिए इसे, इसे नोट करना बहुत जरूरी है, नोट करिए। एक और फिगर डिस्कस कर देता हूं मैं आपसे, सोच रहा हूं, ठीक है, क्या देखिए आप, देख लीजिए आप, ठीक है, इसको मैं मिटा के थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दूं क्या यहां पे, फॉर्मूला यहां पे सबका लिख देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या क्या है देख लीजिए, सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टू पाई आर एच, ठीक है, फिर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सी एस ए ऑफ कोन, क्योंकि यहाँ आर बड़ा ले रहे हैं इसीलिए रेडियस बड़ा ले लिया, ठीक है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर रेडियस आर छोटा है इसका, ठीक है, इसका क्या है स्मॉल आर है, और इसका क्या है कैपिटल आर है, यहां दिखा देते हैं, ठीक है, ये चीज। अच्छा, तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये हो गया, अब प्लस ये चीज हो गया क्या, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कर देता हूं, ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है, ये और ये, क्लियर हो गया बात। अब एक और फिगर आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, आइए, दिमाग को खोलना है, एकदम खोल के रख देना है, ठीक है, अच्छे से समझ में तभी आएगा बात। मान लीजिए जैसे ये क्यूब है और यहां पे एक ना हेमिस्फीयर बना हुआ है आपका। अब मैंने बोला आपको कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पहले तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ये फिर इसके सामने वाला, इसके सामने वाला, एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ये क्यूब है स्टूडेंट्स, तो टीएसए कितना हो जाएगा, टीएसए कितना हो जाएगा, तो लिखना है एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सिक्स या टोटल एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, अभी क्या करते हैं समझा देता हूं, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टीएसए ऑफ क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, अब एक चीज समझिए आप, टोटल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब क्या हो गया, सिक्स ए क्यूब, ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, टू पाई आर स्क्वायर, इस वाले में कर्व सरफेस, खाली खाली कर्व सरफेस यहां पे दिखेगा ना हमें। अब देखिए जो हेमिस्फीयर का बेस है और जो छठा वाला फेस है, छठा वाला फेस का जो कुछ एरिया है यहाँ पे क्या होगा, वो माइनस हो रहा है ना, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में तो सिक्स का पूरा आ ही गया, उसमें हम घटाएंगे क्या, हम घटाएंगे हेमिस्फीयर का सर्कुलर बेस का एरिया, ये बेस का एरिया ये इतना घटा देना होगा, क्योंकि ये तो छुपा हुआ है, ये तो दिखेगा ही नहीं हमें, तो माइनस क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे एरिया, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। बात समझ में आया, फिर से समझा देता हूं, पहले तो हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लिया, हमने पूरे को इन्वॉल्व कर लिया, सबसे पहले सिक्स ए क्यूब, सारे सरफेसेस का, सारे छह फेसेस का हमने एरिया निकाल के रख दिया, ठीक है, सिक्स ए स्क्वायर क्यूब लिख दिया हूं मैं, सिक्स ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया हमने, हमने फिर क्या, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर,
हमें दिखता क्या क्या सरफेस है, हमें फ्लैट सरफेस क्यूब के दिख रहे हैं और एक कर्व सरफेस हेमिस्फीयर का दिख रहा है, उतना कर लिया काम। अब देखिए जो टॉप है हमारा, टॉप में हमारा सारा का सारा एरिया नहीं ना टॉप वाले सरफेस का दिख रहा है, कितना एरिया दिख रहा है हमें टॉप का जो है, हमें टॉप का है वो कितना एरिया दिख रहा है, आइए बात कर ले उस पर भी। हमें टॉप का बस ये एरिया दिख रहा है, देखिए अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि देखिए 6a² में तो ये टॉप का पूरा एरिया कवर हो गया, तो हम इस एरिया में घटाएंगे क्या, टॉप वाले एरिया में क्या घटाएंगे, टॉप वाले एरिया में हम हेमिस्फीयर का बेस का घटा देंगे वैल्यू। बात समझ में आया, अगर और क्लियर करना है तो यहाँ पे अब देख लीजिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं ना सरफेस एरिया ऑफ फाइव फेसेस, सरफेस एरिया ऑफ फाइव फेसेस कितना हो जाएगा 5a², ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा a² - πr², ठीक है, फिर क्या हो जाता प्लस a² - πr², यही कहानी होता, इसीलिए मैंने 6a² डायरेक्ट लिख दिया था, तो वहां पे आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 6 फेसेस ही कर देते हैं, 5 फेसेस का तो क्लियर है, नीचे का ये इसके सामने वाला, ये इसके सामने वाला, 5 फेसेस का तो कुछ नहीं हो रहा है माइनस, वो हमें दिखेगा, ठीक है, लेकिन कौन सा फेस का पूरा नहीं आ रहा, इस फेस का पूरा नहीं आ रहा, इस फेस का एरिया कितना हो गया a² में से कितना एरिया घटा देंगे, ये ब्लैक वाला सर्कुलर एरिया πr² को घटा देंगे, तो हमारा ये डॉटेड एरिया है वही ना हमारा रिक्वायर्ड सर्फेस एरिया, और हमारा फिर एक सर्फेस एरिया क्या है हेमिस्फीयर का जो कर्व सर्फेस है उसका क्या हो जाएगा वैल्यू 2πr², तो ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का जो तरीका है सरफेस एरिया निकालने का। देखिए कंफ्यूजन यही रहते हैं बच्चों को, और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा कि सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए, इस चीज को अगर आप समझ गए, मैंने इसको समझाया इसीलिए ताकि आपको अंदर में क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व करवा पाऊं, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करिए इसको, बिंदास टेंशन फ्री रहने का, मैं सब करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो स्टूडेंट्स आइए इसी के साथ हम अपना पहला एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 क्यूब्स हैं आपके पास और हर एक का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 cm³, ओके, और दोनों को ज्वाइन कर दिया है एंड टू एंड कुछ इस तरह से, ये हमारा पहला क्यूब हो गया, और ये हमारा दूसरा क्यूब हो गया, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, अब ये क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। अच्छा हमारा सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें स्क्वायर जो क्यूब है उसका हमें साइड का लेंथ निकालना है, एज का लेंथ, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है 64 cm³, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया 8 cm, ठीक है, ये किस 4 cm, ठीक है, ये किसका होता है 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 4 cm, ठीक है, एक साइड का लेंथ 4 cm है क्यूब का, तो इस टोटल का कितना हो जाएगा लेंथ, इस टोटल का लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 cm हो जाएगा ना, तो ये तो क्यूबॉइड हो गया ना, आप ध्यान से देखिए ये तो एक क्यूबॉइड हो गया, क्यूब तो रहा नहीं, तो लेंथ उसका कितना हो गया, एल का वैल्यू कितना है इसका, लेंथ हो गया 8 cm। अच्छा स्टूडेंट्स जो ब्रेथ है, ये जो ब्रेथ है, ठीक है, ये ब्रेथ का वैल्यू कितना है 4 cm रहेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेथ जो है वो क्यूब के साइड के लेंथ के ही बराबर है, और जो हाइट भी होगा इसका, हाइट भी जो होगा इस क्यूबॉइड का वो भी कितना होगा 4 cm के ही बराबर रहना है, क्योंकि क्यूब के ही साइड के लेंथ के बराबर है उसका हाइट भी, ठीक है, तो इतनी चीजें तो क्लियर है। अच्छा अब आते हैं स्टूडेंट्स हमें क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया फाइंड करना है इस क्यूबॉइड का, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हमने देख लिया है 2 × LH + BH + HB, ठीक है, सबका वैल्यू रख देते हैं 2 × L का वैल्यू 8 × 4 + HB तो हो गया ना BL होगा, ठीक है, उसके बाद फिर 8 × 4 LB, ठीक, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला पूरा।
32 प्लस 16 प्लस 32 कितना हो जाना स्टूडेंट्स, 32 प्लस 32 64 प्लस 16 80 into 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर। यही है हमारा जो क्यूबॉइड आया उसका सरफेस एरिया का वैल्यू। ठीक है, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। ओके, एक क्यूब दिया हुआ है, हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 दिया हुआ है, तो हर एक क्यूब का जो एज लेंथ है, साइड का लेंथ है एक क्यूब का, वो 4 सेंटीमीटर है। जब दोनों क्यूब्स को हम कंबाइन कर देंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो अब नया क्यूबॉइड बन गया ना। ठीक है, क्यूबॉइड बन गया दोनों क्यूब को ज्वाइन करने से। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो यही होता है 2 into LH plus BH plus LB। ठीक है, और सबको हमने लिख दिया है और हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि एक वेसल है, ठीक है, एक ग्लास एक तरह का समझ लीजिए। ठीक है, उसमें क्या है ना, हॉलो है ये पूरा, ठीक है, खुला हुआ है, मतलब हम देख सकते हैं, ग्लास एक तरह का। बेस जो हेमिस्फेरिकल है और उसका टॉप जो है माउंटेड उस पर एक सिलेंड्रिकल है। ठीक, अच्छा स्टूडेंट्स, हमें दिया हुआ डायमीटर जो हेमिस्फेयर का है वो 14 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस हेमिस्फेयर का कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दिया हुआ है वेसल का 13 सेंटीमीटर, मतलब सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, 13 - 7 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अच्छा अब हमें इनर सरफेस एरिया फाउंड करना है, तो इनर सरफेस एरिया में स्टूडेंट्स क्या क्या आ जा रहा है, इनर सरफेस एरिया में देखिए कर्व सरफेस आ जा रहा है किसका, सिलेंडर का, और कर्व सरफेस किसका आ जा रहा है, हेमिस्फेयर का, बस यही ना दो आएगा। देखिए खुला हुआ है ये चीज ना, ये चीज खाली दिखाने के लिए है, ये चीज है नहीं एक्चुअली में, ये चीज बताने के लिए कि ये हेमिस्फेरिकल बेस है। ठीक है, ये खुला हुआ है पूरा, अंदर से पूरा खुला हुआ है, पानी भर जाएगा यहां तक। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चीज स्टूडेंट्स कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमने निकाला वो कैसे आया, वो आया 13 - डाया ऑफ हेमिस्फेयर से, जो कि कितना हो गया 13 - 7 एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, रेडियस हमें पता है हेमिस्फेयर का कितना है 7 सेंटीमीटर। आइए अब स्टार्ट करते हैं, तो इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कोई शक, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, अच्छा आइए देख ले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 π r h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2 π r² टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 π r² ठीक है, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो आधे स्फेयर का कितना हो जाएगा टोटल कर्व सरफेस एरिया 2 π r², तो यही हो गया। अब इसी फॉर्मूला में पुट कर देते हैं सबको, 2 × 22/7 × 7 × 6 ठीक है, जो भी हमारा रेडियस है सिलेंडर का, ये जो भी हमारा रेडियस है स्फेयर का ना, वही हमारा रेडियस है सिलेंडर के बेस का भी। ठीक है, कॉमन है, अच्छा × 2 × 22/7 × कितना है इसका 7 × 7 ठीक है, ये और ये कटा, ये और ये कटा, सबको सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। बस इतना ही काम था। ठीक है, तो होप है कि ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ और तो था नहीं। टोटल वेसल का जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। अच्छा, हमको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस इस पूरे वेसल का, इनर कर्व सरफेस, इनर कर्व, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, सिर्फ कर्व्ड ही सरफेस एरिया ना आएगा, क्योंकि तो ओपन है उधर से भी और इधर से भी, तो सिलेंडर का बेस का तो एरिया काउंट होना नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा कर्व सरफेस एरिया काउंट होगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया काउंट होगा, और हेमिस्फेयर का भी सिर्फ क्या होगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया काउंट होगा। ठीक है, तो दोनों का हमने कर्व सरफेस एरिया जोड़ दिया, दोनों का ये होता है फॉर्मूला, जोड़ लिख दिया हमने और वैल्यूज रखा हमने और आंसर आ गया। ठीक है, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि एक खिलौना है ऐसा कुछ, ठीक है, वो एक फॉर्म में ऐसा कि एक कोन सरमाउंटेड है किस पे, हेमिस्फेयर पे। ठीक है, अच्छा अब रेडियस जो है हेमिस्फेयर का और कोन का जो बेस का रेडियस है वो सेम है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां दिया हुआ है। अच्छा, द टोटल हाइट ऑफ टॉय, जो टोटल हाइट है टॉय का वो 15.5 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है,
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बस फर्क ये है कि टॉप जो यहाँ पे इस बार क्या है, सिलेंड्रिकल ना होके कोनिकल है, ठीक है। तो अब हाइट ऑफ द ये कोन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, कितना हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, मैंने आपके लिए एक मॉडल बना लिया है, ठीक है। ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है आपके पास, ये ऐसा कुछ है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये कोन का जो रेडियस है और हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो सेम है। हमें दिख क्या रहा है, हमें तो दिख रहा है टोटल ये कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस, कोन का कर्व्ड सरफेस और हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। इसका बेस और हेमिस्फेयर का बेस दोनों तो एक दूसरे को छुपा लिया है, हमें दिख क्या रहा है बाहर से, सिर्फ ये दिखेगा, सिर्फ ये सरफेस दिखेगा। तो ये कैसा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, इसमें कोन का शामिल है और हेमिस्फेयर का सरफेस शामिल है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है, बस इतना ही दिखता है। ओके, तो इस तरह चीजों को विजुअलाइज करना है आपको, ठीक है। तो अब आइए, हमने सबसे पहले हाइट ऑफ द कोन निकाल लिया। अच्छा, अब एक बात बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से हम एल का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, स्लैंट हाइट, क्योंकि कर्व सरफेस कोन का क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो हमें एल का वैल्यू चाहिए, हमें स्लैंट हाइट का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आइए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, नाम दे देते हैं, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर, ठीक है, जो कि एल है हमारा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के बराबर, और ओ ए स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर कितना है 3.5 का स्क्वायर। ए बी को कैलकुलेट किया हमने तो एल का वैल्यू है वो आ गया 25/2 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर ऐसे है, ठीक है। तो हमारा स्लैंट हाइट आ गया। अब आइए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना हो जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और तो कुछ करना नहीं है, तो 2πRL, पाई आर एल, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर 2πR², ठीक है। सबका वैल्यूज पुट करते हैं, 2 × 22/7 × R का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 3.5 × L का वैल्यू 25/2 प्लस 2 × 22/7 × R का वैल्यू है 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबको सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बस इतना ही काम था यहाँ पे। ओके, क्या करना था फिर से समझा देता हूँ। एक हेमिस्फेयर है, उस पर एक कोन सरमाउंटेड है, कोन का जो रेडियस है बेस का वो हेमिस्फेयर के रेडियस के बराबर है, टोटल हाइट टॉय का पूरा है 15.5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द कोन कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो कोन होता है वो पाई आर एल होता है, तो एल का वैल्यू हमें चाहिए, हमें स्लैंट हाइट का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमने स्लैंट हाइट का वैल्यू निकाल लिया 25/2 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय में हमें क्या दिखेगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिखेगा और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिखेगा, और तो कुछ है नहीं, तो वही दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का फॉर्मूला लगा दिया और आंसर हमारा आ गया है। नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड का लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कितने बड़े डायमीटर का हेमिस्फीयर हम ज्यादा से ज्यादा इसमें हटा सकते हैं, तो भाई जितना बड़ा इसका डायमीटर है उतना ही बड़े डायमीटर का हम हेमिस्फीयर इसमें हटा सकते हैं ना, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का, जो रेडियस हो जाएगा हेमिस्फीयर का वो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अब इस सरफेस एरिया का सॉलिड निकालना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक मॉडल लाया है, ठीक है, ये देखिए आपका एक मॉडल है, क्यूबिकल ब्लॉक है, यही चीज है, ये देखिए, और सेम रेडियस है, देखिए जो क्यूब का हमारा डायमेंशन है साइड का जो, उतना ही डायमीटर है हमारा हेमिस्फीयर का भी, ये स्ट्रक्चर है यही वाला। अच्छा, कौन कौन सा सरफेस एरिया अब हमें दिख रहा है, देखिए नीचे का सरफेस एरिया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो जाएगा, पीछे वाला 5 हो जाएगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4 पीछे का और नीचे का 5, 5 एरिया तो क्लियर है, मतलब ये क्या स्क्वायर का शेप होता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 5 सरफेसेस का एरिया कितना हो गया 5 ए स्क्वायर। अब जो छठा एरिया है स्टूडेंट्स, ये वाला जो फेस है
वो पूरा तो नहीं ना दिख रहा, कितना एरिया दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है इतना सा, देखिए ये पीला पोर्शन, ये नीला, ये ऑरेंज और ये पीला फिर से, तो इसका एरिया रिमेनिंग कितना बचेगा, तो एरिया ऑफ दिस फेस ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, इतना दिखा, और कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर हमें यही ना दिख रहा है, हमें दिख क्या रहा है, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर दिख रहा है, पांच वॉल्स का, पांच वॉल्स का, पांच साइड्स का हमें एरिया दिख रहा है, ठीक है, पांच फेसेस का, और जो छठा फेस है क्यूब का उसका हमें कुछ पार्ट का दिख रहा है, तो कुछ पार्ट का एरिया कैसे हो जाएगा, तो एरिया ऑफ दिस फेस ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे दोनों को। आइए अब देखते हैं फॉर्मूला फिर से, ये मैंने आपको करवाया था इंट्रोडक्शन में इस टाइप का, ठीक है, तो आइए उसको देख लेते हैं फिर से। तो यहां पे स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट पहले तो वो लिख लेते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर दैट कैन बी माउंटेड ऑन द क्यूब विल हैव डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब i.e. 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर, कोई शक? अच्छा, अब स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सिक्स फेसेस ऑफ क्यूब, ठीक है, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बात समझ में आया, हमें बेस तो दिखेगा नहीं, इतना एरिया तो हमें दिख नहीं रहा, हमें दिखेगा क्या, हमें सिर्फ ये कर्व सरफेस दिखेगा, ये बचे बचे पोर्शंस दिखेंगे और बाकी फेसेस का एरिया दिखेगा, तो हमने पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकाल दिया छो फेस का, अब जो छठा फेस है उसमें माइनस क्या कर देना है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, और फिर हमें जोड़ना क्या, कर्व सरफेस ऑफ बस हेमिस्फीयर, यही तो जोड़ना है, तो आइए लिख ले, 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr², ये दोनों क्या हो जाएगा, घटेगा, तो क्या हो जाएगा ये 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यूज रखिए कितना कितना हो जाएगा, 6 × 7² प्लस 2 × 22/7 इंटू आर, कितना आया हमारा 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा वैल्यू इसका, इसका वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स 332.5, ठीक है 332.5, ओके, यहां पे एक चीज है कि यहां 2 नहीं होगा, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रिक्वायर्ड हमारा आंसर है, ठीक है, यूनिट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ओके, ये भी ध्यान रखना है, तो यही था क्वेश्चन में, और तो कुछ दम था नहीं, हमने फिर से मॉडल के थ्रू दिखा दिया कि हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, इन बचे कुछ एरियाज को हम देख पा रहे हैं, और फिर बाकी पांच जो फेसेस है हमारे पास, नीचे वाला, पीछे का, आगे का और दाएं का और बाएं का, वो सरफेस हमें दिख रहा है क्लियर क्लियर, तो टोटल सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं, 6a² हो गया, हर एक फेस का 6 फेसेस हैं क्यूब के, तो 6a² हमने पूरा उठा लिया, अब जो छठा फेस है उसमें माइनस क्या करना है हमें, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दिया, और अभी क्या जोड़ना बाकी रह गया, कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ दिया हमने, फॉर्मूला लिखा, ठीक है, और फिर हमने वैल्यू निकाल दिया, यही आंसर है मेरा, हमारा, आगे बढ़ते हैं हम, स्टूडेंट्स जो ये क्वेश्चन है हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा एकदम सिमिलर है, बस क्या किया गया है, हेमिस्फीयर जो ऊपर था उसको नीचे घुसा दिया गया है, ठीक है, डिप्रेशन क्रिएट कर दिया गया, अब हमें सरफेस एरिया कितने फेसेस का निकालना है, सरफेस एरिया देखिए 5 फेसेस का क्यूब का तो जस का 10 रहना है, जो छठा फेस का है ना सरफेस एरिया उसका बस इतना ही पार्ट दिखेगा हमें, तो उसमें हम घटा देंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, और हमें क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस दिखेगा हेमिस्फीयर का, ठीक है, डिप्रेशन क्रिएट कर दिया गया है ना, तो कर्व सरफेस तो दिखेगा ही ना, ओके, तो आइए सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो देखिए एक चीज और क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर जो है हेमिस्फीयर का वो L है, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा L/2, अच्छा जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का ना वही क्यूब के जो क्यूब का ब्लॉक है, तो क्यूबिकल ब्लॉक का एज का लेंथ भी वही है,
तो एल हो गया इसका क्यूब का साइड का लेंथ, और डायमीटर रेडियस हो जाएगा हेमिस्फेयर का एल बाय टू। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वही फॉर्मूला है जो पीछे यूज किया हमने। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है, 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² सॉल्व करने पे आ गया 6a² प्लस πr² 6a² a का वैल्यू कितना है l² प्लस पाई, r का वैल्यू कितना है l/2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 6l² प्लस π/4l². ठीक है, यूनिट स्क्वायर यही आंसर है हमारा, जो भी यूनिट यहां यूज करे ठीक है क्वेश्चन में तो लिखना है उस तरह। ठीक है, क्या हुआ फिर से समझ लीजिए, क्यूब का जो बाकी फेसेस का एरिया है वो तो सेम है पांच फेसेस का, तो 5a² तो कहीं नहीं जा रहा है। अब जो छठा a² है 6a² तो a² में से क्या घट रहा है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर वो घट जा रहा है, क्योंकि ये तो खाली दिखेगा ना हमें, ये खाली दिखेगा हमें। ठीक है, ऊपर से ये भरा भरा पोर्शन है, ये अंदर में डिप्रेशन है एक हेमिस्फेरिकल। अब हेमिस्फेयर का ये कर्व्ड सरफेस भी तो हमें दिख रहा है ना, तो ये कर्व्ड सरफेस का फिर एरिया हमें जोड़ देना होगा उसमें। ठीक है, ये टोटल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि हमें एक कैप्सूल दिया हुआ है, दवा आपने देखा होगा कैप्सूल, कैप्सूल कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और एंड्स होते हैं हेमिस्फेरिकल। ठीक है, अच्छा टोटल कैप्सूल का जो लेंथ है, टोटल कैप्सूल का लेंथ 14 mm है। ठीक है, और डायमीटर है जो हेमिस्फेयर का वो 5 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा हेमिस्फेयर का 5/2 mm। अच्छा सिलेंड्रिकल एंड है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, अब तो 14 में से क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे हम, तो कितना हो गया 9 mm हो गया। ठीक है, तो इसको इनके बीच में लिख देते हैं, ये हो गया 9 mm। ठीक है, क्या हो गया ये हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर्स, यही ना दिखेगा हमें, और तो कुछ दिखेगा नहीं हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दिखेगा और कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर्स का दिखेगा, और तो कुछ दिखता नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh प्लस 2, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस कितना हो जाएगा, तो 2 × 2πr² एक हेमिस्फेयर का होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², तो दो हेमिस्फेयर का कितना हो गया 2 × 2πr², सबका वैल्यूज रखते हैं, रेडियस 5/2 × हाइट 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 × 2 × 22/7 × रेडियस 5/2 का होल स्क्वायर, सबको स्टूडेंट सॉल्व किए कैलकुलेट किए तो आंसर कितना आ गया 220 mm² दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में। ओके, डायग्राम को बस क्लियर समझना है। ठीक है, डायग्राम को समझने भर की देरी है, उससे ज्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट करिए इसे, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करने का ज्यादा है नहीं, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक टेंट है एक शेप में ऐसा जिसमें एक सिलेंडर है उसके ऊपर माउंटेड है कोन, इस तरह का टेंट है। ठीक है, देखे होंगे आप लोग टेंट का शेप। अच्छा अब बता रहा है स्टूडेंट्स की जो हाइट है सिलेंडर का और जो डायमीटर है सिलेंडर का ये 4 मीटर है। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 4 मीटर और जो हाइट है उसका 2.1 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा सिलेंडर का 2 मीटर। ठीक है, अच्छा कोन का भी सेम रेडियस हो जाएगा क्योंकि उसी के ऊपर सर माउंटेड है, जो स्लैंट हाइट है कोन का वो 2.8 मीटर दे दिया है। अब हमें स्टूडेंट्स फाइंड करना है एरिया ऑफ द कैनवस, हमें कैनवस रिक्वायर्ड कितने एरिया का होगा, तो जो एरिया इस पूरे सर
तो पूरे मतलब फिगर का होगा वही ना होगा। हाँ बेस का एरिया नहीं होगा काउंट, क्योंकि टेंट में बेस नहीं रहता है। बात सही है ना, कपड़ा थोड़े बिछाते हैं हम लोग टेंट के बेस पे, ठीक है। हम लोग तो मैट वैट अंदर बिछा लेते हैं अपना अलग से, तो वहां तो कैनवस नहीं लगेगा। तो कैनवस सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट होगा, मतलब कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस कोन, क्योंकि अंदर से ये तो खाली भी ना रहेगा। ऐसा थोड़े कि यहाँ पे हम कोई पर्दा लगा देते हैं और ऐसा तो नहीं होता है। तो ये ऐसे पूरा सरफेस रहता है और ऐसे रहता है, मतलब कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन से हमें मतलब है और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से बस हमें मतलब है, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन में, तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। सबका वैल्यूज लग देते हैं, आर का वैल्यू कितना है 2, एल का वैल्यू कितना है 2.8, ठीक है, प्लस 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 2 इंटू हाइट कितना है 2.1, ठीक है फ्रेंड्स। सब कुछ कैलकुलेट करने पे आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल कैनवस का जो रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। अच्छा अब क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस कितना है, ₹500, 500 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है कैनवस का। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹500 यहां दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ₹500 × 44, ठीक है। ये तो 1 मीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट है, तो 44 मीटर स्क्वायर का इतना हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स, ₹22,000। दिस इज आवर आंसर, ये आंसर है और ये आंसर है हमारा, ठीक है। हमें जो टोटल कैनवस रिक्वायर्ड होगा, तो कैनवस कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बस इतना ही चाहिए होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh, दोनों को जोड़ा 44 मीटर स्क्वायर आ गया सॉल्व करने पे वैल्यूज के साथ। फिर स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है कि जो 1 मीटर स्क्वायर का कैनवस का दाम है ₹500, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस का दाम कितना हो जाएगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा, 500 × 44 कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल प्राइस, टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवस, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम 8th क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है, क्या किया गया है देखिए। एक सिलेंडर था सॉलिड जिसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर था, डायमीटर 1.4 है, मतलब रेडियस हो गया 0.7 सेंटीमीटर। उसमें एक ना कोन कट कर दिया गया, कोन को निकाल दिया गया काट के, ठीक है। कोन का जो हाइट और जो रेडियस है वो सेम है सिलेंडर के, ठीक है। तो हाइट क्या है, हाइट सेम है सिलेंडर के ही, और रेडियस भी बेस का क्या है, सेम है। अच्छा तो हमें स्टूडेंट्स अब बोल रहा है जो बचा हुआ फिगर है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, पहला बात कर्व सरफेस ऑफ द सॉलिड, ठीक है, कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर प्लस बेस ऑफ द सिलेंडर। ये बेस तो चला गया, ये बेस लेकिन बचा हुआ है ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और क्या प्लस हो जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन तो हमें दिख रहा है ना, कोन तो हमें दिखेगा हॉलो गैप, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी कोन भी एड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ 1 बेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πrh प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, ये वाला बेस, ठीक है, ये बेस तो सही सलामत है ना, ओके, प्लस पाई आर एल कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस कोन, अंदर दिखेगा हमें। अच्छा हमें एल का वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से ओ ए बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय यहां निकाल लेते हैं हम लोग, यहां पे ही निकालते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम,
ए बी स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है किसके बराबर है, मतलब एल स्क्वायर जो है हमारा स्लैंट हाइट वो किसके बराबर है, वो है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के बराबर। ओ ए स्क्वायर कितना है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर कितना है 0.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एल का वैल्यू आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सबका वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। अब 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 0.7 इंटू हाइट है 2.4 प्लस 22/7 इंटू 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.5। ठीक है, सबको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको बोला है नियरेस्ट सेंटीमीटर में लाना है, तो मतलब होल नंबर में, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये भी आंसर है, ठीक है, एग्जैक्ट। ठीक है, तो कुछ करना था नहीं इसमें, क्या करना था, एक सिलेंडर था उसके अंदर कोन का एक डिप्रेशन बना दिया गया, तो हमें सिलेंडर का बाहर से क्या दिखेगा, हमें सिलेंडर का कर्व सर्फेस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दिख जाएगा, टॉप तो उठ चुका कोन के साथ ही, अंदर में क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, अंदर में हमें कर्व सर्फेस दिखेगा कोन का, तो इन सर्फेसेस को हमने ऐड कर दिया, इन सर्फेस के एरियाज को, और फिर हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बस चीज को समझना है, विजुअलाइज करने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट 10 सेंटीमीटर है टोटल, और रेडियस जो है सिलेंडर का वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसी रेडियस का एक हेमिस्फीयर इस साइड में और इस साइड, दोनों साइड क्या किया गया, स्कूप आउट कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स इस टोटल फिगर का हमें सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें दो चीजें दिख रही हैं, क्या देखिए, ये तो स्कूप आउट कर दिया गया है, तो बेस तो कुछ बचा ही नहीं है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का सिर्फ कर्व सरफेस हमें दिखेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हमें क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। क्या हमें सिर्फ यही ना फिर दिखेगा और यही ना दिखेगा ऊपर और नीचे से, तो कर्व सरफेस है ना, ये कर्व सरफेस है ना हेमिस्फीयर का, वही दिखेगा दो वो, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRh+2, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमिस्फीयर कितना होता है 2πR2। सबका वैल्यूज रखिए, स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बस यही था, क्या हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे, सिलेंडर था एक सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर में से क्या किया हमने, ए दो हेमिस्फीयर को दोनों साइड से टॉप और बॉटम से निकाल दिया, तो हमारे पास बचा क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास सिर्फ कर्व सर्फेस बचा सिलेंडर का, और जो हेमिस्फीयर डिप्रेशन है उसका कर्व सर्फेस दोनों का, ये डिप्रेशन और ये डिप्रेशन का कर्व सर्फेस ही दिखेगा ना, तो इन दोनों का फिर कर्व सरफेस एरिया हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बस इतना ही है, तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, जो निकाला हमने, ओके, तो नोट कर लीजिए, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1 खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, कोई भी क्वेरी हो, दिक्कत हो, इंस्टा पे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं। ओके, तो जितना हो सके मैं आपको इजी करके इस चैप्टर को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये भी, अगर समझ में आ गया तो इसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और जो कंसेप्ट है वो आपको क्वेश्चंस ही बता देंगे खुद ही खुद। ठीक है, तो क्वेश्चंस को क्लियर रखना है दिमाग में, क्वेश्चंस क्या मांग रहे हैं आपसे उनको क्लियर करना जरूरी है, वो चीज अगर आप समझ गए तो ये चैप्टर में और कुछ है नहीं इससे ज्यादा। ठीक है, तो अगले लेक्चर का इंतजार करिए। ठीक है, तब तक के लिए खाते पीते मस्त, बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, एंड टेक केयर।